स्वरा, माँ जरूर समझेगी। वो जानती है कि हमारी शादी कराने के लिए रागिनी किस हद तक गिर गई थी। हम लोग फिर से हार गए संस्कार। आज तक हमने रागिनी का सच सामने लाने के लिए जो कुछ भी किया, उसमें सिर्फ हार मिली है हमें। हमने जितनी भी कोशिशें की, उसने अपनी गिरी हुई हरकत से हर कोशिश को फेल कर दिया। और आज हमारी शादी करवाने के लिए वो इस हद तक चली गई कि हम रागिनी का सच कैसे सामने ला पाएंगे संस्कार। देखो स्वरा, देखो स्वरा, स्वरा तुम रो मत, इतना टेंशन मत लो। कुछ नहीं बदला है, सब पहले जैसा है स्वरा। नहीं संस्कार, कुछ पहले जैसा नहीं है, सब कुछ बदल गया है। पहले हमारी शादी नहीं हुई थी, अब हो चुकी है, वो भी सबके सामने। अगर किसी को भी कुछ भी पता चला तो हम क्या कहेंगे संस्कार? यही कि पहले हमने उनके यकीन का मजाक उड़ाया और अब शादी करके और भी बड़ा मजाक बना दिया। स्वरा, तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी। अगर किसी को जरा सा भी शक हुआ ना, तो सारा मामला बिगड़ जाएगा स्वरा। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। फिलहाल तुम आराम करो स्वरा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें तो कोई टेंशन होगी नहीं ना संस्कार, क्योंकि तुम तो यही चाहते थे। इसलिए तुम्हें कैसे पता होगा कि मुझ पर क्या बीत रही है? इस अनचाहे रिश्ते में बंद कर मुझे कैसा लग रहा है? इतना बड़ा अनर्थ हो गया हमारी जिंदगी में तो। हवन कुंड जी, पहले क्यों ना बूझ गए आप? पहले मुझ जाते कम से कम हमारे छोरे की शादी तो रुक जाती। ये बंगाली छोरी पक्की तरह से हमारी बहू जोड़ा बनती ना। बड़े बुजुर्ग ना एकदम सही बोलते, कभी किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, नहीं तो हमें खुद ही गिरना पड़ता उस गड्ढे में। और मैं तो बहुत ही जोर से गिर गई, क्या करूं? सुजाता, ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? है जीजी, अरे तुम रो क्यों रही हो? ना ना जीजी, रो ना रही हूँ, तो खुशी के आंसू है। इतनी धूमधाम से पूरे रीति रिवाज के साथ तुम्हारे छोरे की शादी हुई है, तो बस ऐसे निकल आया। सुजाता, ऐसे नहीं करते। मैं थोड़ा काम समेट के आती हूँ जीजी। अरे शर्मिष्ठा जी, नमस्ते शर्मिष्ठा जी। आपके लड्डू वड्डू लेने आइए, पहले आ जाती तो कम से कम हमारे छोरे की शादी तो रुक जाती। आपको शादी में बहुत याद किया, अगर आप आती तो और अच्छा लगता। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि शादी बहुत अच्छे से हो गई। अब कोई भी इस रिश्ते के बारे में। अन्नपूर्णा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी बात को आधे में काट रही हूँ। मुझे अभी शोना से मिलना है। हाँ जरूर माँ। लाडो, अरे वाह शर्मिष्ठा, तो भाग गई। माँ, माँ ठीक तो है ना? माँ, आपको आने में देर हो गई। स्वरा और संस्कार की शादी हो चुकी है। समझते क्या हो तुम अपने आप को? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है स्वरा। कितना गिरा हुआ समझती हो तुम मुझे? भले ही तुमने लाख अच्छे काम किए हो स्वरा, पर आज जो तुमने कहा ना वो बहुत ही खराब था। एक बात बताओ मुझे, तुमने भी किसी से प्यार किया है ना? किया है ना? तो उसे दुखी देखकर तुम खुश रह सकती हो? रह सकती हो स्वरा? नहीं ना? तो फिर तुम्हें दुख देकर मैं खुश कैसे रह सकता हूं? माना कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाए, मैं चाहता हूं कि तुम वही मुस्कुराती हुई पुरानी स्वरा बन जाओ, पर मैं चाहकर भी ये नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं मजबूर हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। भले ही तुम्हारी नजर में मेरा प्यार लाख गलत हो, पर मेरे लिए वो गलत नहीं है स्वरा। और तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं इस चीज के लिए पूरी जिंदगी माफी मांगूंगा। और रही बात शादी की, तो ये बात तुम भी जानती हो स्वरा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था और मैंने तुम्हें रोका भी, पर हालात ऐसे थे कि हमें शादी करनी पड़ी, वरना मैं सबको सच बताने वाला था। एक और बात, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अपने प्यार का हक मैं तुम पर कभी नहीं जताऊंगा, वरना ही तुम्हें हासिल करने की कोशिश करूंगा। हमेशा तुम्हारा दोस्त बन के रहूंगा स्वरा। और अगर तुम्हें ये भी मंजूर नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आप दोनों माँ बेटी बातें कीजिए, मैं जरा शर्मिष्ठा जी के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है, चलो बेटा। चुपचाप मुंह सीखे क्यों खड़ी है? शायद छोरी की शादी का सदमा आ गया होगा, तभी जबान बंद हो गई है आज। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? यहाँ आने में देर हो गई इसलिए आप हमसे गुस्सा है? अपने आप से? अपने आप से बहुत गुस्सा हूँ, अपने आप से कि मैंने इतनी देर क्यों लगा दी, अपनी बेटी को समझने में इतना क्यों वक्त लगा दिया, उस पर इतना भरोसा क्यों किया। नहीं माँ, आप स्वरा पर भरोसा कर सकते हैं, इसमें उसका कोई दोष। उस पर तो मैं आंख मूंद कर भरोसा करती, लेकिन अपनी दूसरी बेटी पर भरोसा करके जो गलती की है मैंने, उसको अब सुधारना है। रागिनी, हमारा रिश्ता क्या है बेटा? क्या रिश्ता है मतलब? माँ है आप हमारी। पक्का? हाँ माँ। माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो तुझे जानती है ना कि एक माँ अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसे सही गलत का रास्ता दिखाती है, और अगर वो कुछ गलती करे तो उसको सही दिशा भी उसकी माँ ही दिखाती है। और जब बच्चों को अपनी गलती का एहसास ना हो, अपनी हर कदम पर गलत ही गलत करते रहे, तो उनको सजा भी माँ ही देती है ना? हाँ माँ, दीजिए ना सजा। पक्का? संस्कार, स्वरा, अरे माँ, रागिनी, थप्पड़, बोलने में मॉम, एक मिनट, सही से बताइए हुआ क्या है? ये बताओ संस्कार, शर्मिष्ठा जी आई हैं? संस्कार? तुमने तो कहा कि माँ बेहोश है। झूठ कहा तुमसे। बाबा ने तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और माँ ने गुस्से में घर छोड़ दिया। चल के चल छोरी, चल के देखते हैं कि थारी माँ जे रागिनी को ना उसकी असली जगह कैसे दिखाती है। चल चल जल्दी। बस शर्मिष्ठा जी, अन्नपूर्णा जी, देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ पर इस वक्त मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ और हम माँ बेटी के बीच में आज कोई नहीं बोलेगा। ये आप क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? रागिनी को अपना गुनाह कबूल करना ही होगा। आज तुम्हें सच बताना ही होगा वरना मेरा हाथ नहीं रुकेगा। बता रागिनी, सच बताओ। बस माँ, स्वरा हट। तुम्हें बीच में नहीं बोलेगी कि मेरे और मेरे बेटी के बीच की बात है। बता अन्नपूर्णा जी को कि तुम किस हद तक गिर चुकी है। अरे 2-4 थप्पड़ और मार देती, इतनी जल्दी रुकने की क्या जरूरत थी? बता अपनी सास को कैसे तुमने अपनी माँ का किडनैप किया। बता सबको कि कैसे अपनी दादी माँ को अपने झूठ के जाल में फंसाकर उन्हें अपने गंदे खेल का हिस्सा बना रही थी। कैसे मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर तूने स्वरा और संस्कार की झूठी शादी को सच्ची शादी में बदल दी तूने। शर्मिष्ठा जी, ये आप क्या कह रही हैं? स्वरा और संस्कार की नकली शादी? अन्नपूर्णा जी, स्वरा अपने शादी से भागी नहीं थी, इसने उसकी शादी से दूर रखा ताकि ये लक्ष्य से शादी कर सके। इसका रिश्ता जुड़ने की वजह से मेरे और शेखर का रिश्ता टूट गया और उस रिश्ते को बचाने के लिए इन दोनों को झूठी शादी करनी पड़ी। रागिनी ने लक्ष्य को पाने के लिए स्वरा की जान लेने की कोशिश की। अपने मतलब के लिए इसने अपने पूरे परिवार को तोड़ दिया और इसे और नीचे गिरने से बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। बता दिया। उम्मीद करती हूँ कि बाकी का सच ढूंढना तुम्हारे हाथ में है लक्ष्य। कल सुबह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया है तो उस प्यार का वास्ता है तुम्हें सच पता करने की। एक बार कोशिश जरूर करना। ये सारा उसका प्लान है। हेलो, मैं लक्ष्मीश्वरी बोल रहा हूँ। मुझे अपना दक्षिणेश्वर वाला फार्म हाउस तैयार करवाना है। अपने बड़े भाई संस्कार और उसकी पत्नी स्वरा के लिए उनकी नई नई शादी हुई है, तो डेकोरेशन अच्छे से करना। ठीक है। रागिनी, आज तक हम सबकी आंखों में धूल झोंकती आ रही है। देखिए ना, हमारी माँ हमारे साथ क्या कर रही है। हमारी माँ हमारे खिलाफ खड़ी है। आज हमारे पास कुछ नहीं बचा, हार गए हम। हमें नहीं पता किस बात की सजा मिल रही है हमें। क्यों इतना हार रही है? बस वरा ने ड्यूटी शादी, उसकी सजा हमें क्यों दे रही है? बस रागिनी, बंद कर अब तो ये नाटक। क्यों कर रही है तू ये सब बेटा? रागिनी, क्या हो गया है तुझे? तू ये अच्छी तरह से जानती है कि स्वरा ने ये सब मुझे और तेरे पापा को एक करने के लिए किया था। एक नंबर की नौटंकी है ये छोरी। अरे ये छोरी को तो पिक्चरों में होना चाहिए था। पता, मगरमच्छ के आंसू निकाल के हमारी भोली भाली जिज्जी को भी अपने जाल में फंसा रही है। ये करो, तू सच्चाई से इतना दूर क्यों चली जा रही है? सिर्फ लक्ष्य को पाने के लिए तू इतना कैसे गिर सकती है? रागिनी, इस वक्त तू अपने जुनून में अंधी हो चुकी है। अपने मतलब के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पता है क्या, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो जो चीज तुझे सबसे ज्यादा प्यारी है वो तुझसे इतनी दूर चली जाएगी ना कि उसको पाना तो क्या, उसके पास आना भी तेरे लिए एक सपने से कम नहीं होगा। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, सच बता दे सबको। हाँ। देख, मैं स्वरा की जिंदगी और बर्बाद होने नहीं दूंगी। मैं आज उससे अपने साथ वापस लेकर जाऊंगी। तू अगर सच बता देती है तो मैंने तुझसे वादा किया था कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तू चाहती है। सब तुझे माफ कर देंगे और लक्ष्य भी तुझे अपना लेगा। स्वरा, हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि रागिनी कुछ नहीं बोलने वाली। तो अब हम क्या करेंगे संस्कार? ये अब तुम्हें डिसाइड करना है स्वरा। तुम यहाँ रहकर अपनी लड़ाई खत्म करना चाहती हो या हार मानना चाहती हो? क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें माँ को झूठा साबित करना होगा स्वरा। अन्नपूर्णा जी, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ये सब मेरे और स्वरा का कोई नाटक है, तो आप खुद ही सोचिए। मैं यहाँ आकर स्वरा और संस्कार की झूठी शादी के बारे में क्यों बताऊंगी? बस माँ, ये क्या बार बार आपने एक ही रट लगा रखी है? शोधा, तू बीच में मत बोल, मैं बात कर रही हूँ ना। अन्नपूर्णा जी का ये जानना बहुत जरूरी है कि तेरे और संस्कार की, मेरे और संस्कार के बीच में क्या माँ? अब क्यों बार बार सबको यही कह रही है कि हमारी शादी झूठी थी? शोधा, ऐसा मत कर। क्या ना करूँ माँ? मैंने और संस्कार ने झूठी शादी कब? बस शोना, बस। कितना झूठ बोलेगी और? सच बताते हैं, बस खत्म करिए सब। वही तो मैं कह रही हूँ माँ, खत्म करो इन सबको। मैंने और संस्कार ने झूठी शादी कभी की ही नहीं थी। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, तुझे सच झूठ का फर्क समझाया, आज उसी माँ के सच को तू झूठा साबित कर रही है। कौन सा सच माँ? क्या झूठ? अब क्या? बस कीजिए, बस कीजिए ये तमाशा। एक मिनट शर्मिष्ठा जी, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। पहली बात ये आपकी किसी भी बात पर मुझे भरोसा नहीं है। रागिनी जिसने लक्ष्य और स्वरा को एक करने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, वो उन दोनों को अलग करना चाहती है। ये कैसे हो सकता है? आपको अपनी बेटी पे विश्वास हो या ना हो, मुझे अपनी बहू पे पूरा विश्वास है। माँ, पता नहीं हमने क्या गलत किया है, क्या गलती हुई है हमसे। पर अगर आपकी नजरों में हम गलत हैं, तो हम उस गलती की माफी मांगना चाहते हैं आपसे। और दूसरी बात, आप और आपकी ये बेटी दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि स्वरा और संस्कार की शादी झूठी है, और ये कह रही है कि ये शादी झूठी नहीं है। किसकी बात पर भरोसा किया जाए शर्मिष्ठा जी? अब आप ही बताइए, सच और झूठ का फैसला कौन करेगा? मैं करूंगा। अगर शादी झूठी भी थी तो क्या फर्क पड़ता है? स्वरा और संस्कार इस शादी का नाटक कर भी रहे थे तो क्या रागी? अब तो हो गई ना शादी, सच में पूरे रीति रिवाजों के साथ आप सबके सामने। तो फिर आज इस पल स्वरा संस्कार की पत्नी, और यही सबसे बड़ा सच है। तो झूठी शादी भी थी तो क्या हुआ? और माँ, अगर आप ये सोच रही हैं कि स्वरा की जिंदगी बर्बाद ना हो, तो माफ कीजिएगा, वो तो हो चुकी है। पर अब उसे सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसे मैं तैयार करके आया। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.